हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फुल कट क्रीज आई मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। तो पहले हम आई मास्क के आईब्रोज बनाएंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन जेल क्रोमेट और एंगुलर ब्रश से पहले आईब्रोज को मनचाही शेप देंगे, फिर आईब्रोज को फिल करेंगे। दूसरी साइड पर भी सेम शेप देंगे। अभी हम आईब्रोज के हेयर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम ब्लू हेवन। आईब्रो को शार्प करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो शेड फ्रॉम क्रायलॉन सुप्रा। पहले उसे पूरी आईलिड पर अप्लाई करेंगे, फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी बारी है आई शेडो की। तो फर्स्ट मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और उसे क्रीज एरिया में सर्कुलर मोशन में अप्लाई किया है। अभी मैंने एक शार्प कट क्रीज क्रिएट की है, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक जेल आईलाइनर। आई क्रीज को इन्हांस करने के लिए आई शेडो पैलेट में से एक ब्लैक शेड यूज़ की है और फ्लैट ब्रश से उसे मैंने आई क्रीज के ऊपर ब्लेंड करते हुए अप्लाई किया है। क्रीज को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल शेड। सेम शेड लेके सेकंड आई पे भी हम ब्लेंडिंग करेंगे। फिर एक लाइट पिंक कलर से इसे ब्लेंड किया है। आउटर कॉर्नर पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक शेड और उसे प्रेस करते हुए अप्लाई करेंगे और इसे ब्लेंड करते हुए आईबॉल की तरफ लेके जाएंगे। सेम टेक्निक से सेकंड आई पे भी आई शेडो अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉपर शिमरी आई शेडो और फ्लैट ब्रश से अच्छे से अप्लाई करेंगे इसे। अभी आप देख सकते हैं कि ये शेड अप्लाई करने के बाद कितनी अच्छी आई लुक आई है। सेम शेड ली है मैंने और सेकंड आई पे भी प्रेस करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। अभी हम यूज़ कर रहे हैं लूज शिमर सेम कॉपर कलर की और आप इसे चाहे तो फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्रश से। मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब हम आईलाइनर लगाएंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर ब्लू हेवन का। तो अभी आई लुक कंप्लीट हो गया हमारी। अभी हम लोअर लैश पे काम करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले लाइट पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं सेम पर्पल शेड लूँगी और इसे ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट हम लोअर आई लैश क्रिएट करेंगे। सेम लिक्विड आई लाइनर लिया है मैंने और आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ जाएंगे। सेम टेक्निक से सेकंड आई पे भी आई लैशेस क्रिएट करेंगे।
टियर डक्ट को हाईलाइट करने के लिए सेम शिमर यूज़ कर रही हूँ जो आईलेट पर भी यूज़ की थी पहले मैंने। लास्ट में मैंने आईलैशेज अप्लाई की हैं एंड नोज़ को हल्का सा कंटूर किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये आई लुक अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।